हेलो 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 फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका लेफ्ट टू सर्वाइव में। तो चलिए अब स्टोरी में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो स्टोरी शुरू करने से पहले जो चैनल पे नए हो अपने प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी करें। ओके, तो पिछले पार्ट में हम हेक्टर के बेस तक पहुँच चुके थे और उसे भी हमने बचा लिया था, और अब उसे हमें अपने दोस्तों को बचाना है। तो चलिए चलते हैं अपने नए मिशन की तरफ, जिसमें देखते हैं हेक्टर के दोस्त आखिर कहां फंसे हुए हैं। और इस वाले पार्ट में हम रीजन 3 को भी करेंगे एंड। तो फिलहाल जितनी फ्री की चीज़ें हैं उसे फटाफट हम रिसीव कर लेते हैं, क्योंकि यही चीज़ें हमारे आगे बहुत काम आने वाली हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मिशन हो गया है हमारा शुरू। और फ्रेंड्स, आपसे विनती है कि यार, इंडियन हूँ, हिंदी बोलता हूँ, कुछ भी है, अगर आपको कुछ भी बेकार लगता है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताओ। तो यहाँ हैकर के साथी फंसे हुए हैं जिन्हें हमें निकालना। भाई, स्विमिंग पूल में लग रहा है वो बड़ा वाला भैंसा नहाने गया था और पानी नहीं मिला तो उसका सर फूट गया। पक्का उसने ऊपर से जंप मारा होगा पानी में कूदने के लिए, लेकिन मामला गलत हो गया। ये देखिए बड़ा भैंसा, लेकिन गलत हुआ यार, स्विमिंग पूल में पानी होना चाहिए और बड़े भैंसे का नहाने का मन कर रहा था, ये मोटर वालों ने गलत किया है, इसीलिए जॉम्बीज यहाँ पता ले रहे हैं। ये लो, आ गया है एनईआर का वो प्रोजेक्ट एनईआर वन ने डेवलप किया है। तो भाई, इसे मानना सबसे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके, ये भी गया नहाने। अरे थोड़ा सा पानी है? नहीं भाई, काई वाला पानी है, इसीलिए वो ओके। तो यहाँ मिशन हमारा कंप्लीट। किसी को भी हमें यहाँ छोड़ना नहीं है भाई, सबको रिकवर करना है। तो रीजन 3 का ये लास्ट मिशन, तो चलिए फटाफट फिनिश करते हैं। लेकिन इस गेम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि आपको गन को अपडेट करते रहना है, अगर गन अपडेट नहीं हुई तो आप मिशन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ फटाफट हम गन को अपग्रेड करते हैं। कुछ पार्ट मैंने यहाँ स्किप कर दिए हैं, इसके लिए वेट करना होता है। ओके, तो फिलहाल जेसी का कहना है कि भाई यहां से निकलते हैं फटाफट, ज़ॉम्बी चारों तरफ से आ रहे हैं और सारा कुछ लगभग इन्फेक्टेड हो गया है। लेकिन हेक्टर का कहना है कि ये हमारा घर है, इसे हम छोड़ के नहीं जाएंगे और एनईआर वालों को हम सबक सिखाएंगे। तो चलिए फिलहाल हेक्टर की बातों को मानते हैं और इसके बेस कैंप को सुरक्षित करते हैं जॉम्बी से। ओ, ये एनईआर का नया प्रोजेक्ट लग रहा है भाई। तो चलो, यहाँ हेक्टर का कैंप सिक्योर हुआ। उलाला, ओके, तो यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब जॉम्बीज और एनईआर के सोल्जर्स भी आ रहे हैं।
हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब जहाँ हेक्टर का कैंप है। तो रिक, जिसको मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि वह एनियार के साथ काम करता था, तो वह हेक्टर को, एनियार को ख़त्म करने के लिए उसका मतलब एक जासूस बना हुआ था। तो अब यहाँ रिक का कहना है कि नहीं, तुम लोग कहीं भागो नहीं, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा एनियार को ख़त्म करने में। तो हेक्टर उसकी बातों पर डिगा हुआ है कि नहीं, रिक की इन्फॉर्मेशन से हम एनियार को ख़त्म कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं रिक की सूचना कितनी हमारे लिए फायदेमंद होती है। और ये आ गए हम विजन 4 में, तो देखते हैं हेक्टर का भरोसा रिक पर हमें ले डूबता है या आगे बढ़ा देता है। फटाफट अपलोड हो जाओ, फटाफट अपलोड हो जाओ। ओके, तो ये रीजन 4 का मैप खुल गया फ्रेंड्स। वही गन अपडेट की प्रॉब्लम, तो चलिए इसे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है अब रीजन 4 का नया मिशन? ओके फ्रेंड्स, तो कहानी यहाँ पर यह है कि हम पहुँच चुके हैं फिलहाल बंदरगाह पे, जो कि रिक का सॉल्यूशन था कि भाई जिस तरह से जॉम्बीज हमें चारों तरफ से और एनियार के सोल्जर्स घेर रहे हैं, हम समुद्र के रास्ते यहाँ से धीरे से निकल लें। लेकिन यहाँ पर कहानी ये है कि रिक, जो कि एनियार के मोस्ट वांटेड लिस्ट में है, वही भाई अभी तक यहाँ हमें नहीं मिला है। तो चलो देखते हैं फ्रेंड्स, कहीं ठोका ना हो जाए, मतलब ना हम इधर के रह जाए ना उधर के। तो फिलहाल रिक ने हेक्टर से कांटेक्ट किया है, हेक्टर का तो यही कहना है। तो देखें हेक्टर की बातों में कितना है दम। और हमें कैंप अपना इसलिए छोड़ना पड़ा है फ्रेंड्स कि वहां पर जॉम्बीज तो आ ही रहे हैं और एनियार के हजारों सोल्जर्स उस कैंप की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए हमारा निकलना यहां से बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। जो फ्रेंड्स चैनल पे नए हों, अगर उन्हें कहानी न समझ आ रही हो, तो वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर लास्ट सर्वाइवर के ओपन करके सारी कहानी पूरी से अंत तक देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ तो बगड़ बम हमने कर दिया। ओके, फाइनली रिक का मैसेज आ गया, क्या बात है। तो चलिए हमें एक बोट ढूंढनी है और यहाँ से भाई निकल लेना है। तो देखते हैं वो बोट किधर है। इसलिए कहते हैं भाई थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, किसी के ऊपर ऐसे धड़ाम से इल्जाम नहीं लगा देना चाहिए। नहीं, अपने मेंबर तो कुछ रिक की मारने पे एकदम उतार उठे कि रिक ने हमें धोखा दे दिया वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ पर वेपन अपग्रेड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो फिलहाल गेम के हिसाब से तो इसे हमें सॉल्व करना होगा। ओके, पेंडोरा है शिप का नाम। तो चलो फ्रेंड्स, ढूंढते हैं पेंडोरा नाम की बोट को और फूट लेते हैं यहां से आगे जगन्नाथ की औलाद। ओए भाई, ओ भाई, घुटने पे रह ही रहे हैं। उतने में तो मैं गोलियां फिर खोपड़ी मुका देता हूँ, बच गए। ओ अभी कहीं अभी मारना नहीं, बच गए।
जम्पर। जम्पर के लिए घर निकालता हूँ मैं। बीच में एक कबूतर छलांग मारते हुए आ जाता है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन यहाँ कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। ओ ओ, तो क्या यही सामने है पेंडोरा? तो जेसी के हिसाब से ये एरिया बहुत खतरनाक है और शायद रिक ने हमें सबको खतरे में डाल दिया है, लेकिन रिक का कहना है ऐसी कोई बात नहीं है, हम यहाँ से निकल सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं इस पार्ट के इस लास्ट मिशन में हम यहाँ से निकल पाते हैं कि नहीं। तो ये रही वो शिप। ओके फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं शिप के अंदर तो यहाँ पे कोई मिस्टर जेनकिंस है जो कि बाथरूम के आसपास कहीं छुपा हुआ है भाई, तो इसे हमें ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स मिस्टर जेनकिंस किधर है। ओके, तो कुछ साथी हमारा साथ देने के लिए आ गए हैं। मारो लेकिन इसको भैंसे को उड़ाना पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। इस थूकने वाले को भी मैं ये थूक क्या चीज लगा देगा भाई, पूरे कैंप को चारों तरफ से घेर रखा है यार। बूम, ओ सामने दिख लिखा पेंडोरा। ओके फ्रेंड्स, तो फिलहाल हम काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं, तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में आखिर ये जेनकिंस के मिलने के बाद क्या होता है और यहां से हम समुंदर के रास्ते जा पाते हैं कि नहीं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स।